यार ने बहुत बढ़िया डांस किया और मुझे बहुत अच्छा लगा सुनकर के पढ़ कर के। मैंने आपके डी जी साहब सबको बुलाया था, होम कमिश्नर भी थे, सब लोग थे। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ये बातचीत नेत्रेश शर्मा से कर रहे हैं। वही नेत्रेश शर्मा जिन्होंने जान हथेली पर लेकर करौली में उपद्रव के दौरान बच्चे समेत 3 लोगों की जिंदगी बचाई। सीएम गहलोत ने अपने बहादुर कांस्टेबल को फोन किया, जमकर तारीफ की, साथ ही प्रमोशन का तोहफा भी दे दिया। अभी मैंने आपके डी जी साहब सबको बुलाया था, आपके होम कमिश्नर भी थे, डी जी भी थे, सब लोग थे। तो मैंने कहा भाई आप ऐसे कांस्टेबल को प्रमोट करो, तो हमने तय किया आपको कांस्टेबल हेड कांस्टेबल बनाने का निर्णय किया है। तो मैंने कहा मैं आपको बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ड्यूटी थी सर मेरी जो मैंने थी, ड्यूटी तो कई लोगों की होती है, पर जान को हथेली में रख करके जिस प्रकार आपने इसको अंजाम दिया है वो तारीफ के काबिल है और बहुत साहस दिखा है, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, कभी जयपुर आओ तो मिलेंगे आप, ठीक है? ठीक है सर, नमस्कार भैया, नमस्कार, नमस्कार। करौली हिंसा में आगजनी और तोड़फोड़ के दौरान लोग दहशत में थे। फूटाकोट क्षेत्र सहित कई इलाकों में जलती दुकानों के बीच लोग अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। शहर में अफरा तफरी का माहौल था। इन सब के बीच पुलिस कांस्टेबल नेत्रेश शर्मा ने अपनी जान पर खेलकर आग और पथराव के माहौल के बीच फंसे बच्ची और महिला को बचाया। फूटाकोट इलाके में 2 दुकानों में आग लग गई थी। इस दौरान 1 मासूम और 2 महिलाएं आग के बीच फंस गई थी। वे लोग चिल्ला रहे थे, तभी नेत्रेश शर्मा की नजर जब मासूम बच्चे और महिलाओं पर पड़ी तो वे अपनी जान की परवाह किए बिना वहां पहुंच गए। नेत्रेश ने महिलाओं के पास मौजूद दुपट्टे से मासूम को ढककर उठाया और तेजी से निकले। उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की। राजस्थान पुलिस के इस बहादुर सिपाही की चारों तरफ तारीफ हो रही है। सोशल मीडिया पर भी वो छा गए हैं। नेत्रेश ने 1 नहीं बल्कि 3 जिंदगियां बचाई है। इस बहादुर कांस्टेबल को न्यूज 24 भी सलाम करता है।